那出卖阿姐唱唱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 唱किसी की हेल्प लेके पहनी थी। ये 6 मीटर की लंबी साड़ी पहना मेरा काम थोड़ी है। पता नहीं अस्मिता कैसे पहनती होगी। मम्मा पापा कहाँ हो आप दोनों? देखो कृषि आ जाएगी, जल्दी करो प्लीज। तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आता। मम्मा पापा कहाँ हो, आओ ना हॉल में जल्दी। ओह गॉड, चलो ठीक है मैं पहना देता हूँ। अब इससे पहले कि कृषि आ जाए तुम्हें जीन्स में देख लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कर देता हूँ। वैसे तुम्हें साड़ी पहनाना आता है क्या? मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, इन जनरल मीन इतनी कॉन्फिडेंटली तुमने बोला तुम पहना दोगे तो सॉरी। अब क्या है? सब कुछ अधूरा करने की आदत है क्या? आई मीन ये सेफ्टी पिन नहीं लगाओगे तो फिर से खुल जाएगी। पापा इसे कुछ आता है क्या? सब सिखाना पड़ता है। खड़ूस कहीं का यहां ये जो कुछ भी है, अगर ये हेल्प करने के लिए है तो ठीक है, और अगर ये अस्मिता जैसे दिखने वाली देविका मेरे और शान के बीच आई तो छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। खालू मैं, पापा आने वाले। बताओ बेटा, और मैं ये गेम खेल सकता हूँ, तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम खेल पाओगी? वो क्या है ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो कुछ कर नहीं पाते, जीतते भी इतने नहीं हैं। अच्छा ओ हेलो, अगर ऐसी बात है तो देखते हैं ना कि कौन ज्यादा बातें करता है और कौन जीत कर दिखाता है। या श्योर। तो गेम स्टार्ट करें? या ऑफ कोर्स बेटा। One, two, three, play. काफी रातों चल दिया इस सफर के संग। पेपर फोल्ड करो मम्मी पापा। ऐसे क्यों कहा तुमने कृषि? ऐसे हर भी ये नम ना खुदा मैं तो रहा बन गया तू धर्म। रहूं मैं मलंग 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 रहूं मैं मलंग 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 रहूं मैं मलंग 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 मैं मलंग हरे। स्टॉप, पेपर फोल्ड करो मम्मी पापा। कम ऑन मम्मा पापा, हमें जीतना। ओके। आप
जितना खड़ूस दिखता है उतना बुरा नहीं है ये। भले देविका अस्मिता जैसी ना हो पर कुछ बात तो जरूर है उसमें जिसकी वजह से शान उसे इस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं। भगवान करे कि शान की जिंदगी में देविका सच में अस्मिता की जगह ले ले और सब ठीक हो जाए। सूरत तो वैसी ही है, अब सीरत भी वैसी ही हो जाए, क्योंकि कृषि को ठीक होने के लिए देविका का इस घर में होना बहुत जरूरी है। पर हमें देविका के आपकी और कृषि की जिंदगी में आने के चांसेस लग रहे हैं। शायद भगवान वो कमी पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने देविका को अस्मिता बनाकर आपकी जिंदगी में भेजा है। नो वे मम्मा, बिल्कुल भी नहीं। आज आपने ये बोल दिया लेकिन दोबारा ऐसा कभी सोचिएगा भी शान। लेकिन नहीं मम्मा, अस्मिता की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ये देविका, उसकी वजह से मैंने अपनी पुचकी को खोया है। नो वे मम्मा, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। बच्चों के बिना घर कितना सुना सुना लगता है ना, जैसे खामोशी काटने को दौड़ रही हो। बस आती होंगी मामा, आज बहुत खुश हूँ। कितने दिनों बाद कृषि स्कूल गई। देविका के आने के बाद ये सारे चेंजेस आए हैं, हमें इनको थैंक यू कहना चाहिए। नहीं नहीं स्कूल nice. ऋषि बेटा, आप इतने दिनों बाद स्कूल गए, मजा आया? तबीयत तो ठीक थी ना? ऑल ओके? तकलीफ देखते ही पिघल जाता है। लेकिन ऋषि बेटा, ऐसे किसी को भी घर के अंदर नहीं ले आते हैं, है ना? सॉरी बड़ी माँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना खा रही थी इसलिए अंदर बुला लिया। बड़ी माँ, जस्ट लुक एट देम, कितने गंदे और अनहाइजीनिक है। चाहत ऐसे किसी के लिए नहीं बोलते हैं, बैड मैनर्स ना। कोई बात नहीं, अब आपने उन्हें बुला लिया है तो उन्हें अंदर ले आइए, उन्हें खिला पिला कर वापस भिजवा देंगे उनके घर, ठीक है? अभी ले। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को छोड़ूंगा। नहीं सब आप लोगों की वजह से हुआ, अब चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। अगर कृषि के सामने सच आ गया, अगर उसे ये पता चल गया कि देविका पुचकी की हमशक्ल है, तो बहुत बड़ा खतरा है। सदमे में चली जाएगी बेचारी। हे भगवान, कृषि को ठीक कर दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर से एक पत्थर काका दे करके, काका काकी को घर से निकलने को बोलता है। बात देविका, बात तुमको तो हमें भी बताता है। रुको,
खबरदार अगर इस पर हाथ उठाया तो। आप लोग ये मत बोलिए कि आप लोग मेरे घर पे। समझता है हा? एक सेकंड यहाँ खड़े रहकर किसी और को सुनाना बहुत आसान है। तेरे लिए, तेरी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। कृषि के लिए अस्पताल बनने की हर वो मुमकिन कोशिश की, बट नहीं, मुझे अप्रिशिएट करना या सिचुएशन को समझने के बजाय तू यहाँ खड़े रहकर मुझ पर चिल्ला रहा है। नो वॉट, यहाँ तेरे बुलाने पे नहीं आई, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्योंकि मौत को ना करीब से देखा है मैंने। नौकरी से किस लिए निकाले गए थे ये भी उनको बताऊंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। दैट्स इट, खड़ा खड़ा ये की मुंह देखता हमारा डाक्टर, क्या तुम बेसिकता है हमारा, अरे तुम कोई बोलता है हम चलो। हाँ, हाँ, चलो चलो चलो, तुमको तो हम देख लेगा, बोले दीछी चलो बोलची ना चलो। वो मांगो की बोल पो कृषि को तो मैं ठीक करके रहूंगी, उसकी हालत मेरी वजह से हुई है। क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर मजुमदार, अब तो बच्ची को भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान नहीं माँ, आज कृषि की माँ यानी मैं बचाऊंगी कृषि को। सैड रखना चाहेंगी, बताइए कृषि, बोलिए ना कृषि, आके कॉल कर हमसे बात कीजिए ना प्लीज। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की यह हालत हुई है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को ये सब भुगतना पड़ रहा है, सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। ऋषि बेटा, आज आप पापा को हग ही नहीं करेंगे? कैसे हग करूं पापा, आप मेरे पापा नहीं है। आपने कितने सारे से मम्मा की जगह इस आंटी को दे दिया। नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा की जगह किसी को नहीं दे सकता। बेटा मेरी बात सुनिए ऋषि, बेटा प्लीज पापा, प्लीज आप लोग सब बाहर चलिए, बच्ची को आराम करने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे डॉक्टर? मैं, आप लोग बात को समझिए, बच्ची की हालत क्रिटिकल है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज जाइए पापा प्लीज। मिस्टर मजुमदार, आप लोग प्लीज बाहर चलिए। डॉक्टर, हम कृषि को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है, प्लीज समझिए। तो तुम भी निकलो अभी यहाँ से, चलो चलो चलो। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। पहले आप यहां आना नहीं चाहती और अब आप यहां से जाना नहीं चाहती।
क्या हम जान सकते हैं कि आप यहाँ किस रिश्ते से रहना चाहती हैं? डील हुई होगी ना? और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ, आइंदा ये चेहरा कभी मत दिखाना। सुना तुमने? चेक लो और निकलो यहाँ से। कौन सा इमोशन? माँ का इमोशन, कृषि की माँ का। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ कृषि के लिए रुकना है। क्या आप सचमुच यहाँ कृषि के लिए रुक रही हैं? और कोई बात नहीं है? हाँ, कृषि और उसके पापा के। एंड देखते हैं कौन मुझे इस घर से बाहर निकलवाता है। लुक, आई स्वेयर मैं यहां से नहीं जाऊंगी, नो मैटर व्हाट। आई लव यू, I love you, I love you, I love you. हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा लगता है कि तुमसे, कृषि से मेरा बहुत बरसों का नाता है। जैसे तुम और कृषि मेरे लिए पराए नहीं हो, जैसे मेरी पूरी फैमिली की तरह हो, एकदम क्लोज। तो मैं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मैं नहीं समझा सकती कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन लेकिन मेरे लिए मेरी माँ जितनी गरीब है उतनी गरीब तुम और कृषि बन चुके हो मेरे लिए। आई लव यू। सुन लो और अपने इस दिमाग में बैठा लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ना ही कभी तुमसे इस जिंदगी में प्यार करूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पुचकी से प्यार किया है और जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहूंगा। तुम तो क्या, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकती। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं सिर्फ और सिर्फ पुचकी का ही रहूंगा। समझ में आया तुम्हें? लेके गोद में सुलाऊं
उसके शारीरिक स्थिति से ज्यादा उसके मानसिक स्थिति पे ध्यान देना चाहिए। और देविका जी, जिस तरह आपने अभी कृषि को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है। अब आगे से आपको हर बार इसी तरह कृषि को संभालना होगा जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। एक्सक्यूज मी, लुक, मैं जानती हूँ इस घर में ना कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है पापा, प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बेटा ये क्या बात हुई? मुझे आपसे बात नहीं करनी और आप भी मेरे से बात मत करिए। आप पापा से बात नहीं करेंगी? नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए नकली बुम्मा लेके आए। आपको पता है आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कैसे भी करके आपकी तबीयत ठीक करनी है। इसलिए सिर्फ आपकी तबीयत ठीक करने के लिए पापा को यह करना पड़ा। जाइए, मुझे कृषि को संभालना होगा, उसे समझाना होगा। कम से कम थोड़ा सा तो खा लीजिए ताकि मम्मा को ऐसा लगे कि उनकी बेटी ना बहुत अच्छी है, उनका कहा मान रही है ना? और आपको खाते हुए देख वो कितनी खुश हो जाएंगी पता है आपको? लीजिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी मामा के लिए खा लीजिए जिसने आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उनके लिए तो आपको खाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। अब कहाँ चले गए मम्मा? अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों मम्मा क्यों? कैसे संभालूं मैं कृषि को? बाबा ये लो, लो शहद। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, खाना वापस ले जाओ। सॉरी पर खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने कृषि को प्रॉमिस किया कि मैं उसके पापा को खाना खिला दूंगी। Just stop it. कहा ना मैंने तुमसे मुझे खाना नहीं खाना। जाओ ऋषि से झूठ कह देना कि मैंने खाना खा लिया। ओ, 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 मैं अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल सकती। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा, कम से कम ऋषि के खातिर ही सही प्लीज।
वाली सब्जी वो अच्छी है। ऐसा क्या हो रहा है इस घर में अकेला? देविका, आप देविका को ही ले लीजिए, उसकी इस घर में क्या जरूरत है? आप है, मैं हूँ, शान है कृषि का ध्यान रखने के लिए, और हम बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख सकते हैं। अकीरा, देविका का इस घर में रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा ना, आज जब कृषि को पैनिक अटैक आया तो देविका ने ही बचाया उसे। अगर आज देविका नहीं होती तो कृषि को तो कृषि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब तक कृषि ठीक नहीं हो जाती, देविका यहीं रहेगी। खैर, बहुत रात हो गई है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, जस्ट चिल, सो जाइए। का इल्जाम सीधे देविका के सर पर ही आएगा, राइट? क्योंकि उसे ही कृषि ने लास्ट यहाँ कमरे में देखा था, और फिर देविका को इस घर से निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद मैं ख्याल रखूंगी शान और उसकी दोनों बच्चों का। दिस इज द राइट प्लान। अब होगा इस देविका का किस्सा इस घर से खत्म। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन देविका आंटी। क्या किया देविका आंटी ने? क्या किया तुमने? ये आग कैसे लगी? तुम ही आई थी ना इसके पहले इस कमरे में? बोलो, जवाब दो। ये देखिए पापा, इनके हाथ चल गए। मुझे और मेरी मम्मी फोटो को बचाते हुए। चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, चलो उठो। जाएगा देविका, हमें पता नहीं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं,
हमारे लिए आप ऋषि की माँ से कम नहीं है। आज जो आपने किया ना, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। लेकिन ये बात जो है ना, सिर्फ आप अपने पापा को समझा सकती, आप ही राजी कर सकती हैं उन्हें। और जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपको आपकी मामा मिल जाएंगी, शान को एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, और हमें एक बेटी मिल जाएगी। बड़ी माँ सही कह रही है, देविका आंटी हमारी लाइफ में मम्मा की जगह आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके पापा को इस बात के लिए मनाना हो।